तो दोस्तों, मैं हूं भारत और आपका ओनली अमेजिंग रेसिपी में है स्वागत। तो दोस्तों, दिवाली के लिए हमने ये बेसन के बूंदी के बहुत ही स्वादिष्ट लड्डू बनाए हैं। और ये बूंदी के लड्डू बनाने के लिए ये मोती जैसी बूंदी किस तरह बनानी है, इसे किस तरह फ्राई करना है और छसनी बनाने से लेकर बूंदी के लड्डू बनाने तक सभी टिप्स इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो बनाने के लिए शुरुआत कर लेते हैं। तो आज हम बेसन के बूंदी के लड्डू बनाने वाले हैं, तो इसलिए हमने 2 कटोरी बेसन लिया है, 1 चुटकी सोडा लिया है और टेस्ट के अकॉर्डिंग साल्ट लेना है। तो दोस्तों, आज हम बेसन के बूंदी के लड्डू बना रहे हैं और ये लड्डू बनाने के लिए सही मेजरमेंट लेना बहुत ही ज़रूरी है। तो आप सही मेजरमेंट ले लोगे तो ये बूंदी के लड्डू बहुत ही अच्छे बनेंगे। तो इसलिए मैंने 2 कटोरी बेसन लिया है, तो इसके लिए मैं 2 कटोरी पानी ले रहा हूँ। और ये 2 कटोरी पानी मैं इसी में एक साथ नहीं डाल रहा हूँ, बल्कि थोड़ा थोड़ा सा डालकर इसे अच्छी तरह से फेंट रहा हूँ। तो इसे हमने अभी अच्छे से फेंट लिया है, तो अभी इसी की हम बूंदी बना लेते हैं। तो बूंदी बनाने के लिए मैंने एक कढ़ाई में कुकिंग ऑयल रख दिया है और इस कुकिंग ऑयल को हाई फ्लेम पे गर्म किया है। और ये ऑयल गर्म होने के बाद इसी में हमने जो बेसन का बैटर बनाया है, वो बैटर हम इस झारी के ऊपर इसी तरह रख लेते हैं, ज़्यादा नहीं रखेंगे। और ये जो कप है, इस कप के कोने से हम इसे ड्रॉप कर लेते हैं। तो दोस्तों, आप पानी और बेसन का सही मेजरमेंट ले लोगे तो ये बूंदी मोती जैसी बनेगी। तो अभी आप ये देख लीजिए, ये बूंदी कितनी अच्छी तरह से मोती जैसी बन रही है। तो इस बूंदी को हम मीडियम हाई फ्लेम पे लगभग 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लेते हैं। और इसे अच्छे से भूनने के बाद इसे हम एक बर्तन में निकाल लेते हैं। इसे 2 मिनट से ज़्यादा नहीं भूनना है। इस बूंदी को ज़्यादा भूनोगे तो ये सख्त हो जाएगी और इसी के लड्डू नहीं बनेंगे। तो ये बूंदी अभी अच्छी तरह से भून चुकी है, तो मैं इसे एक बर्तन में निकाल रहा हूँ। तो ये देखिए, ये बिल्कुल मोती जैसी बूंदी बनके तैयार है। तो इसी तरह मैंने सभी बूंदी बनके तैयार की है। तो अभी छसनी बनाने के लिए शुरुआत कर लेते हैं। तो इंग्रेडिएंट्स में हमने 2 कटोरी बेसन और उसके लिए 2 कटोरी पानी लिया था। तो अभी छसनी बनाने के लिए हम 2 कटोरी पानी और 2 कटोरी चीनी ले लेंगे और इसे हम एक अच्छी छसनी बनने तक मीडियम हाई फ्लेम पर रख देंगे। तो दोस्तों, बूंदी के लड्डू बनाने के लिए हमारी छसनी अच्छी होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर हमारी छसनी थोड़ी सी भी गाढ़ी होती है तो हमारे लड्डू बनेंगे ही नहीं। तो ये छसनी बहुत गाढ़ी हुई है और छसनी गाढ़ी होने के कारण हमारे लड्डू बने ही नहीं। छसनी ज़्यादा गाढ़ी होने के कारण ये देखिए, ये पूरी तरह शुगर ही बन गए हैं। तो परफेक्ट लड्डू बनाने के लिए हमारी छसनी ज़्यादा गाढ़ी होनी नहीं चाहिए। तो छसनी थोड़ी सी गाढ़ी होने के कारण ये मेरे लड्डू नहीं बन पाए। तो मैंने दूसरी बार छसनी बनाई और फिर से लड्डू बनाए। तो दूसरी बार छसनी बनाते समय मैंने ये देखिए, छसनी ज़्यादा गाढ़ी नहीं बनाई है। तो परफेक्ट लड्डू बनाने के लिए वो छसनी परफेक्ट होती है जो तार बनना बस शुरू हुई है, लेकिन पूरी तरह तार नहीं बनती है। तो ये अभी परफेक्ट छसनी बन के तैयार है। तो इसी वक्त हम इसी में डाल देंगे हमारी सभी बूंदी और इस बूंदी को इस छसनी में हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। और अभी हमने गैस बंद किया है और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। और इसे मिक्स करने के बाद इसी के ऊपर ढक्कन लगाकर इसे लगभग 30 मिनट के लिए रख देते हैं। 30 मिनट तक ये बूंदी छसनी को अच्छी तरह से ऑब्जर्व करेगी, तो ये बूंदी अभी लड्डू बनाने के लिए तैयार है। तो लड्डू बनाने के लिए शुरुआत करने से पहले हाथ को थोड़ा सा पानी लगा लेते हैं, ताकि ये बूंदी हाथ को चिपके ना। तो ये बूंदी अभी हाथ में लेकर इसे गोल बना लेते हैं। जब ये थोड़े से गोल बन जाते हैं, तभी हम इसी में पिस्ता लगा लेते हैं और इसे फिर गोल बना लेते हैं। तो इसी तरह मैंने सभी लड्डू को अच्छी तरह से गोल बनाया है। ये देख लीजिए, ये लड्डू कितनी अच्छी तरह से बना है। तो इसी तरह हमने सभी लड्डू बनाकर तैयार किए हैं। तो ये देख लीजिए, ये दिखने में जितने अच्छे हैं उसी से ज़्यादा ये स्वाद में तो बहुत ही बढ़िया है। तो एक लड्डू को अभी हम फोड़कर देख लेते हैं। तो ये देख लीजिए, ये लड्डू कितनी रस भरे बने हैं। तो दोस्तों, ये बूंदी के लड्डू बनाने की रेसिपी आपको अच्छी लगी है
तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस भी कीजिए। धन्यवाद।